अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज के अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे ये पसंद तहरीक के पस मंज़र के बारे में। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो कोई भी अदब है उसमें तब्दीली एकदम ही पैदा नहीं हो जाती, उसके पीछे कुछ ना कुछ वजूहात रहती हैं, कुछ ना कुछ ऐसे कॉज और रीजंस रहते हैं जिसकी वजह से कि वो जो तब्दीली है वो सूरत पज़ीर होती है और हमारे अदब के लिए जो है तरक्की की नई मंजिलें जो हैं वो तय करती हैं। इसी के साथ ऐसा ही जो है वो हमारे अदब यानी कि उर्दू अदब के साथ भी हुआ है। इसमें भी कई ऐसी जो हैं वो अहम तहरीकात हैं जो कि जिनके बारे में जानना जिनको पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है। उसी में से एक है तरक्की पसंद तहरीक, और इसके अलावा और भी इसमें तहरीक हैं जैसे कि सलाह ज़बान की तहरीक हुई थी, अलीगढ़ तहरीक जिसे हम सैयद अहमद तहरीक के नाम से भी जानते हैं। तो ये सब हैं जिनको कि पढ़ना ज़रूरी है। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम बात करेंगे तरक्की पसंद तहरीक के बारे में। तो चलिए वक्त को ना ज़ाया करते हुए अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं कि जब भी हम तहरीक तरक्की पसंद तहरीक की बात करते हैं तो उर्दू में जब तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ हुआ तो उर्दू अफसाना निगारी के मैदान में मुंशी प्रेमचंद के साथ अजीम करेवी, मजनू गोरखपुरी, अकबर आबादी, सज्जाद हैदर यलदरम, नयाज हैदर जोश और नयाज फ़तेहपुरी वगैरह मौजूद थे। उर्दू अफसाना और तरक्की पसंद अफसाना निगारी पर बात करने से पहले तरक्की पसंद तहरीक का पस मंज़र समझ लेना भी ज़रूरी हो जाता है। सच बात तो यह है कि लंदन में ज़ेर तालीम कुछ हिंदुस्तानी नौजवानों ने ही तरक्की पसंद तहरीक की बुनियाद रखी थी। लंदन में ज़ेर तालीम हिंदुस्तानी अदीबों का गिरोह, वो जिसमें जो है सज्जाद ज़हीर, मलिक राज आनंद और घोष वगैरह शामिल थे, उनकी दिलचस्पी जाहिर है कि अदब में भी थी, बल्कि ये के तमाम बाकायदा अदीब थे। चुनांचे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर के सियासी सामाजी और हालात थे वाक़ियात से मुतासिर होकर अपनी बैठकों में अक्सर इनकलाबी गुफ्तगू करते थे और अदब में भी उनको पेश करने पर ज़ोर देते थे। एक दिन उनके मशवरे पर सज्जाद ज़हीर के कमरे में बाकायदा एक मीटिंग का इनाकाद किया गया, यानी कि एक मीटिंग रखी गई जिसमें बामुश्किल 6 या 7 आदमी मौजूद थे। उसके बाद यही वो ज़माना था जबकि हिटलर की सरदारी में जो फासिज्म है ने सर उठाना शुरू कर दिया था, जिसने रफ्ता रफ्ता जो है वो पूरे यूरोप को एक सियासी कहें तो बहरान में जो है मुब्तला कर दिया था। देखिए जो भी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो हमारा अदब होता है वो समाज का अक्स होता है, यानी कि जो भी कुछ समाज में चल रहा होता है वो हमारे अदब उससे कभी भी बच नहीं सकता, वो उसको उसमें ज़रूर शामिल करता है। तो कहीं ना कहीं ये भी जो हमारे इंटरनेशनल रीजंस थे और जो भी हमारे माशरे में चल रहा था उससे अदब मुतासिर हुआ, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर हिटलर के बारे में बताया। तो इसके अलावा दूसरी जंग अजीम भी हुई थी कि जो आसार भी ज़ाहिर होने लग गए थे, जिससे मग़रिब में एक बेचैनी और घबराहट की कैफियत पाई जाने लगी थी, क्योंकि हिटलर ने तहजीब व तमद्दन के आला पैमाने पर हमला करना शुरू कर दिया था। तो उसने क्या किया कि उसने अपने मुल्क के बहुत से जो शौरा हैं, यानी कि शायरों, अदीबों, साइंसदानों और दानिश्वरों यानी कि आलिम को क़ैद कर दिया था और उनमें से चंद को जिला वतन करके दूर दराज मकामात पर भेज दिया था। इस वाक़े ने दुनिया के तमाम अदीबों, दानिश्वरों, जमहूरियत पसंदों और तमाम लोग जो कि अपने मुल्क की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी की कद्र करते थे, फासिज्म के तकादिम को रोकने के लिए अपनी कौमों को इकट्ठा करने पर मजबूर कर दिया था। तो हिंदुस्तान के क्या हुआ था कि मुख्तलिफ लिसानी सूबों में अदीबों की अंजुमनें क़ायम की गईं। इन अंजुमनों के दरमियान जो है इज्तमाइयों के ज़रिए या रब तो ताउन पैदा करना था सूबों की और मरकज़ी और लंदन की अंजुमनों के दायरे जो थे वो करीब ताल्लुक़ पैदा करना था। इन अदबी जमातों से जो है मेल जोल पैदा करना जो इस अंजुमन के मकासद के ख़िलाफ़ ना हो, तरक्की पसंद अदीब की तख्लीक और तर्जुमा करना जो सेहतमंद और तवाना हो, जिससे कि हम तहजीबी पसमानदगी को मिटा सकें, मतलब कि जो एक ड्रॉबैक मिल रहा था उसको दूर कर सकें, तो हिंदुस्तानी आज़ादी और समाजी तरक्की की तरफ बढ़ सकें।
तो जो हिंदुस्तानी को कौमी ज़बान और इंडो रोमन रस्म ख़त यानी कि जो रस्मुल ख़त है को कौमी रस्मुल ख़त तस्लीम करने का प्रचार करना, अदीबों के मुफीद की मतलब जो मुफीद है जो फ़ायदा है उसकी हिफाजत करना, अवामी अदीबों की मदद करना जो अपनी किताबें छापने का काम करने के लिए इमदाद चाहते हों, तरक्की पसंद अदीबों की जो है अंजुमन का पहला हिंदुस्तानी दफ्तर अलाहाबाद में अहमद अली के घर पर कायम हुआ था। इत्तेफाक से दिसंबर 1935 में हिंदुस्तानी अकादमी इलाहाबाद की जानिब से एक कॉन्फ्रेंस का इनका मतलब इनका हुआ, एक कॉन्फ्रेंस बिठाई गई जिसमें कि मुंशी प्रेमचंद हैं, जोश मलिहाबादी और मौलवी अब्दुल हक तशरीफ़ लाए थे। सज्जाद जहीर ने उन अदीबों से मुलाकात की और अपने मंसूबे के मुतालिक बताया। उन तीनों अदीबों ने सज्जाद जहीर के जो मकासद थे से इत्तेफाक किया और वहीं पर ही मैनिफेस्टो पर अपने दस्तखत कर दिए। इस तरह हिंदुस्तानी अदीबों के लिए एक बहुत बड़े ग्रुप को उन्होंने रफ्ता रफ्ता अपना हम ख्याल बना लिया। उन अदीबों में जो है फराग गोरखपुरी हो गए, एजाज हुसैन हैं, एहतशाम हुसैन और जो वक़ार अजीम हैं वगैरह अलाहाबाद में सरगर्म थे। इस हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में तरक्की पसंद ख्यालात रखने वाले अदीबों ने अपने यहाँ पर अंजुमनें कायम की और उनके फ़रोग़ के लिए अमली तौर पर जो है कमर कस ली। अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की कुल हिंद मकबूलियत के पेश नज़र तरक्की पसंद अदीबों ने हिंदुस्तान में बाकायदा एक कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कायम करने का मंसूबा बनाया जिसका इनेकाद लखनऊ अप्रैल 1900 जो है 56 में मुंशी प्रेमचंद की सदारत में हुआ। पंडित नेहरू और सरोजनी नायडू की सरपरस्ती में मुंशी प्रेमचंद की सदारत में 9, 10 और 11 अप्रैल 1936 को जो है लखनऊ में एक शानदार कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। बालखसूस जो है सदारती खुतबे में इस्तेमाल किया गया उनका जो जुमला था वो ये था कि हमें हुस्न का मयार तब्दील करना होगा। तो उसने क्या करा कि तरक्की पसंद अदीबों के दिल और दिमाग में एक बिजली सी दौड़ा दी थी। तरक्की पसंद तहरीक मस्कूरा वाला अदीबों के जहन के तख्लीक है जिसकी शुरुआत 1932 में अंगारे के जो है ज़रिए की गई थी। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि यूरोप में फासिस्म के खिलाफ एहतजाज करने वाली क़ुतों और जो है कार्ल मार्क्स के ख़रीद व फरोख्त के नज़रिए और हिंदुस्तान की जद्दोजहद आज़ादी ने इसे जिला बख्शी थी। अंगारे की अशात ने बड़ी हद तक तरक्की पसंद उर्दू अफसाना निगारों से अफसाने की जो सिमत है और जो रफ्तार है उसका तायुन कर दिया था। अंगारे की अशात के बाद से ये बात हुई। और अगर देखा जाए तो इसमें जो मेन लीडर रहे थे वो कहीं ना कहीं सज्जाद जहीर रहे थे जिनका कि इस तहरीक को चलाने में एक बहुत अहम किरदार रहा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।